आज का दिन ना बड़ा अजीब सा आया नहीं, मैं पता क्यों, पहले मैं बाल कटवाने गया वहां चूतिया काट गया, ठीक है। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। आज है वेडनेसडे और आप सभी को पता है वेडनेसडे मेरा होने वाला है क्वाड्स और काफ्स का वर्कआउट। भी शाम के बज चुके हैं 6 और जस्ट अभी अभी मैंने प्री वर्कआउट मील ली है। प्री वर्कआउट मील मैंने इसलिए नहीं दिखाई बिकॉज सेम प्री वर्कआउट मील मैं ले रहा हूँ। मैंने 4 एग वाइट्स लिए हैं, ब्राउन ब्रेड लिया है, पीनट बटर लिया और एक एप्पल खाया साथ में, बिकॉज मुझे थोड़ी सी जल्दी भूख लग जाती है तो मैंने एक एप्पल भी ऐड किया है प्री वर्कआउट मील के अंदर। बनाना जो पहले लेता था उसको हटा चुका हूँ मैं और आज लेग्स वर्कआउट करना है। मोस्ट प्रोबेबली आज मैं एक फ्रेंड के साथ वर्कआउट करने वाला हूँ, शिवम भाई। अगर वो सही टाइम पे पहुँच गए हैं तो वो, जैसे कि आपको पता है मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही दिक्कत है, स्कूटी पे पानी गीला हो जाना। तो इसको आप सभी को पता है मैं अपना वर्कआउट 7 बजे के आसपास वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। जस्ट 5 मिनट पहले मैंने प्री वर्कआउट लिए, 1 घंटे पहले इसलिए निकल रहा हूँ बिकॉज़ मैंने सोचा आज एक नया हेयर कट ले लेता हूँ तो हाफ एन आवर के आसपास में मेरा हेयर कट हो जाएगा और बाल थोड़े बड़े हो गए हैं तो मुझे एक हेयर कट लेना है थोड़े बाल छोटे करने, बिकॉज माथे पे आते हैं तो डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि मैं आजकल बिल्कुल भी हेयर वैक्स नहीं यूज़ करता हूँ, पहले यूज़ करता था। तो आप शैम्पू के बदले साबुन से अपना हेयर वॉश कर लेना तो शायद आपके बाल थोड़े रफ़ हो जाए और खड़े होने में हेल्प मिल जाए आपको। ये पर्सनल नुस्खा है, ये पर्सनल अपने ऊपर ट्राई करी हुई चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। इसके अंदर कितनी सही है कितना गलत है ये मुझे नहीं पता, तो आप अगर साइंटिफिक चीज़ों में जाना चाहते हो तो यूट्यूब बाबा आपके पास है, जाके देखो सब कुछ। अभी चलता हूँ यहाँ से सीधा सैलून, फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा करा रहा हूँ हेयर कट। सो गाइस, यहाँ से मैं कराता हूँ अपना हेयर कट और अभी मिलवाता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने जब आपको दिखाया था तो भाईजान से मिलवाया था, अभी अंदर चलता हूँ भाईजान से मिलवाता हूँ ऑनर से हमारे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ है अंदर? ये हमारे भाईजान, ये इनके डोले वोले भी छुपा कर रखते हैं सब। तो अभी करवाने वाला हूँ यहाँ से हेयर कट, आधे घंटे में हो जाएगा। सलाम वालेकुम, ये है अपने भाई, क्या हाल चाल, ठीक हो? ये बताओ मेरा हेयर कट कितना टाइम हो जाएगा आपको? मैं 1 घंटे में लगेगा यार, ऐसे मत बोलो यार, कोई है भी नहीं साफ करने वाला भाई, और भाई तो फ्री नहीं है तो उनको एटलीस्ट 1 या 1.5 घंटे लग जाएगा। और 1.5 घंटा में यहाँ वेट करूँगा तो मेरा प्री वर्कआउट मील वेस्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी सीधा चलता हूँ जिम, हाफ एन आवर के बाद अपनी जिम स्टार्ट करूँगा, उसके बाद में आके बाद वर्कआउट के बाद अपना हेयर कट करा लूँगा। तो ये तो चुटका हो चुका है अपने साथ, अभी बहुत मन था आज मेरा हेयर कट लेने का बट हेयर कट नहीं ले पाऊँगा बिकॉज जावेद भाई तो बिज़ी है और उनका कहना यह है कि भाई जान 1.5 या 2 घंटा लग जाएगा। अब किसी फीमेल क्लाइंट के साथ है, वो फीमेल को देख रहे, किसी कस्टमर को देख रहे। अब आपको पता है लड़कियों का कभी भी मूड चेंज होता है, अरे भैया ये नहीं ये भी कर देना, अरे भैया ये नहीं, वेट करना तो वैलिड लग नहीं रहा है। तो यहाँ से सीधा चलता हूँ जिम। और दूसरी बात यह है कि मैं उनसे पूछ रहा था कि मैं जिम के बाद आऊँगा तो वर्कआउट के बाद अगर आऊँगा तो मैं हेयर कट करा लूँगा कि नहीं करा लूँगा। भाई को भी जिम जाना पड़ता है 8 बजे लास्ट टाइमिंग है और 8 बजे से पहले मैं नहीं आ सकता, तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं हेयर कट ले पाऊँगा। हेयर कट कोई इशू नहीं है, अगर आज नहीं लूँगा तो कर लूँगा। तो अभी चलता हूँ सीधा जिम और आपको दिखाता हूँ लेग्स का वर्कआउट, शिवम भाई से पहले पहुँच जाऊँगा अगर शिवम भाई आएंगे साथ में वर्कआउट करने। आज का दिन मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, एक्चुअली हुआ क्या, शिवम भाई को आज काम है और वो बहुत पहले वर्कआउट करने आ चुके थे 5 बजे। तो भाई के और भाई वैसे भी ऑलरेडी शोल्डर कर रहे बिकॉज उन्होंने कल मिस कर दिया था और जब मिस कर दिया है तो आज वो शोल्डर कर रहे हैं। तो अब मैं जो वर्कआउट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ नीमा के साथ। नीमा को आपने बहुत बार मेरे साथ देखा है मेरे व्लॉग्स में, तो नीमा कहने लगे भैया मैं भी लेग्स करता हूँ, मैं आपके साथ करता हूँ आज। तो अभी नीमा से मिलवा देता हूँ। वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा साथ में? यार भैया कर रहा हूँ ना। क्या कर रहा है तू? वार्म अप कर रहा हूँ, जब से आप देखे ठीक है। इसके कितने सेट बचे तेरे? फटाफट वार्म अप कर, मैं स्टार्ट करता हूँ ठीक है। मैं करूँगा रेगुलर स्क्वाट्स, नीमा करेगा हैक स्क्वाट बिकॉज नीमा के थोड़े से पैर में दिक्कत है तो बेबी का कितने भी। हाँ उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम आपको बता देंगे। हाँ
ये हमारे जिम के दो बॉडी बिल्डर्स। हमारा वर्कआउट हो चुका है और एक्चुअली हुआ क्या ना, वर्कआउट आधा ही कवर करा बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है, 4% बची है और निमा भी पता नहीं कहाँ कहाँ खो जाता है वो, तो उसका समझ में नहीं आता है ना। और कार्डियो की है, कान फट चुकी है बैंक वाली, निमा ऑलरेडी आधा वर्कआउट करके यहाँ बैठा हुआ है, आधा करा है बेटा ये फीफा खेलने के चक्कर में लगा हुआ है और कुछ नहीं है। देखो ये देखो मजे ले रहा है क्यूटी पाई। तो हाँ रहने दे बेटा, तो अभी यहाँ से जाना है मुझे चिकन लेने के लिए अपना, बिकॉज रात के लिए ना तो टोफू है ना चिकन है और डाइट तो मिस नहीं कर सकते। मैंने इवनिंग में अपनी कार्डियो ऐड करी ना, उसकी वजह से मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ और मुझे जो चिकन लेने जाना पड़ता है वो नहीं हो ले पाता। साला आज भी शॉप बंद हो गई तो फिर मुझे टोफू लेना पड़ा, बिकॉज यार इन दी एंड मुझे रात के डिनर में एग्स ऐड नहीं करने, ऑलरेडी मैं 10 एग खा लेता हूँ पूरे दिन में, मुझे या तो रात को चिकन ऐड करना है या करना है टोफू ऐड, तो टोफू खाने वाला हूँ फिर से आज से, बट मेरा मन था कि मैं चिकन खा लेता हूँ। लेट क्यों हो जाता हूँ। ये देखो मिम्मी को देखो, इसको टोफू खाना है। हाँ तो अब इस टोफू को, टोफू में रोस्ट कुछ नहीं करता, सीधा पैकेट से निकाला काटा और सीधा पेट के अंदर, दैट्स इट। क्या अच्छो दे रहने की रोस्ट करो ये करो वो करो, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे भाई के पास, तुम्हारा भाई रहता है बहुत बिजी। होप सो आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे, अगर पसंद आए तो शेयर करते रहो। सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, सब्सक्राइब कर देना और उसके सामने घंटे का बटन है उसका टक करके दबा देना। तो मिलता हूँ नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुदा हाफिज़।